गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम का कुछ 4 बजे का, और जो आज की वीडियो होने वाली है ये है मेरी फेवरेट, और इस वीडियो में मैं अपनी फेवरेट कला तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि है पतंग उड़ाने की। ब्रो मैं गारंटी करता हूँ तुम लोगों को, जिन लोगों को पतंग उड़ाने नहीं आती, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो तुम पतंग उड़ाना सीख जाओगे, प्लस कन्ने कैसे बांधते ये सीख जाओगे, पतंग कैसे काटते हैं चाहे वो सद्दी का मंजा हो या हो प्लास्टिक का, तो पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे। वीडियो पूरी देखना ध्यान से और बीच में स्किप मत करना, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजें होती है जो तुम्हें एक्सपर्ट और नूब बनाने में फिर डिफरेंस दे देती है। बिना किसी देरी के इस वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कह दूं कि भाई बाहर धूप हो रही है, एज यूजुअल तुम देख सकते हो कि ऊपर से कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है, और मैंने पहन रखी हाफ बाजू की टी शर्ट, तो मैं फटाफट जाता हूं और कुछ फुल बाजू की टी शर्ट पहन लेता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत काला हूं और काला मैं नहीं होना चाहता। फिर चल रहे सीधा पतंग लेने, क्योंकि मैंने सोचा तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि पतंग कैसे ली जाती है, ठीक है, अच्छी पतंग कैसे पहचानी जाती है। तो मेरे साथ चलो पहले दुकान पे। अभी फिलहाल गाइज मैं आया हूँ अपने यहाँ पे एक लोकल वेंडर पे, तुम्हें मैं ये दिखाता हूँ सबसे पहले कि तुम्हें पतंगें कैसे लेनी है, ठीक है। तो कोई 2-3 बातें ध्यान से सुनना, वो हमेशा याद रखना जब भी तुम पतंग लेने जाओ। कभी भी तुम लोग पतंग खरीदो ना, तो मैं तो हमेशा बड़ा साइज खरीदता हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा साइज सही लगता है जितना ये वाला है, क्योंकि ये मेरे से स्टेबल हो जाता है। अब तुम्हें 2 बात हार्डली याद रखनी। पहली बात तो ये जो इसका बीच वाला ये तिल्ला है, ठीक है, ये थोड़ा पतला है, ज्यादा मोटा नहीं है, तो ये थोड़ा पतला होना जरूरी है, ज्यादा भी पतला ना ज्यादा मोटा भी ना हो, क्योंकि तुम्हें ना इसके झक मोड़ में होते हैं, तो जब तुम झक मोड़ोगे तो फिर उस टाइम तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो पतंगे होती है ना उसकी ये साइड ध्यान से देखो, ये साइड अगर पतंग से बाहर जा रही है ना तो पतंग कभी बैलेंस होगी ही नहीं, वो डिसबैलेंस होगी, इधर उधर जाएगी। तो अपने हिसाब से पतंगे लेना और बीच के तिल्ले का हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि ये वाली पतंग दिखाता हूँ मैं, इसका तिल्ला देखो कितना मरगिल्ला सा है, तो अगर ये हवा में जाएगा तो ऐसे ऐसे लहर सकता है, तो इसलिए मैं ये वाली उड़ाता ही नहीं, बड़े साइज की उड़ाता हूँ। 4 पीस ले लिए मैंने ये वाले, और ये लेके चलते हैं और आपको दिखाता हूँ उसके बाद कन्ने कैसे बांधते हैं। गाइस मैंने काफी सारा स्टैश अपना यहाँ पे पूरा पीछे रख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कन्ने कैसे बांधते हैं, ठीक है। तो इजीएस्ट वे मैं दिखाऊंगा, 2-3 स्टेप में आपके कन्ने बन जाएंगे, बहुत ही बढ़िया वो भी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सर्दी से कन्ने बांधो या मंजे से बांधो, भाई दोनों से बांधो, दोनों से उड़ जाते हैं, चाहे सर्दी से बांधो या कन्ने मंजे से। तो देखो मेरे प्लास्टिक वाला मांझा है, तो मैं इतना हाथ की पहले एक लेंथ के बाद क्या करना है, जो 2 सिरे है ना, 2 सिरे मंजे के, देखो ऐसे करके ये मेरे पास 2 सिरे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बांध देता हूँ। कन्ने जो है ना वो इस वाली तिल्ले से बनते हैं, ठीक है, जिधर कोई तिल्ला नहीं होता, जिस साइड तिल्ला होता उससे कभी कन्ने नहीं बंधेंगे, कन्ने हमेशा इस तरफ से बंधेंगे। अब तुम्हें करना क्या है कि यहाँ की तरफ छेद करना है, एक तुम्हें यहाँ की तरफ छेद करना, ताकि तिल्ला लॉक हो जाए, और उसके बाद एक यहाँ पे करने 2 ऐसे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले यहाँ से ऐसे डाला, ठीक है, छेद करके निकाला मंजा बाहर। अब जैसे ये है ना, अब मैं इसके ऊपर की तरफ छेद करूंगा हल्का सा, तो ये देखो ये हो गया लॉक, ठीक है। तो ऐसे लॉक होना जरूरी है, एक ऊपर करना है एक नीचे करना है, फिर उसको यहाँ पे ला करके पीछे बांध दो। दूसरा वाला सिरा देखो, एक वाला सिरा तो बंध गया, दूसरा वाला सिरा बिल्कुल सिंपल है, वही जिधर तिल्ला नहीं होता उस साइड से, एक साइड से पहले ऐसे करके डाला अंदर, ठीक है, और फिर दूसरी साइड से निकाल करके इस वाली साइड से अंदर। तो भाई ये वाली साइड भी अब बंध चुकी है, ठीक है। तो अब मेरे कन्ने वैसे तो 90% बिल्कुल बंध चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, बस इसको ऐसे पकड़ना है सिंपल एकदम सीधा। अब मुझे देखना है इसकी बिल्कुल सेंटर कहाँ पे है, जैसे कि मान लो मैंने ऐसे पकड़ लिया, फिर मैं इसको ऊपर नीचे करके देखूंगा कि हाँ भाई सेंटर कहाँ दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ सेंटर दिख रहा है, तो बस फिर मैं इसके ऊपर इसको ऐसे करके बांध दूंगा। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आऊंगा। गाइस इंडिपेंडेंस डे आ चुका है और साथ में आ चुकी है बुलबुल की बहुत अमेजिंग सेल, जो कि चल रही है 9th से 15th ऑफ अगस्त तक, जहां पे आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट अप टू 75% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स लाइक फुटवेयर, फैशन वेयर एंड किचन एक्सेसरीज, और बाय वन गेट वन जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। आज वीडियो पूरी देखो, क्योंकि मैंने भी कुछ ना कुछ सामान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां से मंगाए हैं, जो कि मैं आपके साथ आज वीडियो में शेयर करता हूं। गाइस सबसे पहले मैंने मंगवाया ज़िब्रोनिक्स का ब्लूटूथ स्पीकर, जिसका रेड कलर में गाइस बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, और इसकी साउंड क्वालिटी आपको सुनाता हूँ एक बार। गाइस इसका वैसे तो एक्चुअल प्राइस 599 है, बट डील ऑफ द डे में ये आपको ओनली 559 में मिल रहा है। उसके बाद मैंने मंगवाया लैंप वाला स्पीकर, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि रात को अगर आप अपनी कंप्यूटर टेबल के ऊपर या स्टडी टेबल के ऊपर आप इसको एज अ म्यूजिक सुनने के लिए रखेंगे तो ये काफी अच्छा लगेगा, पर ऐसे टैप करने में इसकी सडनली लाइट चेंज होने लगती है। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी ही लगी मेरे को। इसका जो प्राइस है गाइज वो ओनली 479 रुपीज है, और गाइज ये है एक पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, बिल्ड क्वालिटी बहुत हार्ड है, अगर आप कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे जा रहे हो या नॉर्मल बाहर वॉक पे जा रहे हो तो आप इसको साथ में आसानी से कैरी कर सकते हो, और इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको सुना है। इसका जो प्राइस है वो ओनली 499 है, और गाइज ये है एक पार्टी स्पीकर, जितनी अच्छी इसकी लुक है उतनी अच्छी ही इसकी आवाज भी है। बिल्ड क्वालिटी भी गाइज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी।
उसका जो प्राइस है वो ओनली 375 है, जो कि मेरी नजर में वैल्यू फॉर मनी है। और गाइस बुलबुल वालों की मुझे सबसे बेहतरीन बात जो ये लगती है कि यहाँ पे ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी प्लस इजी 5-day रिटर्न प्लस इजी 5-day एक्सचेंज पॉलिसी एप्लीकेबल है। तो फटाफट जाओ मेरे ऐसे बढ़िया बढ़िया गैजेट्स की शॉपिंग करो और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल सबका दिया हुआ है मैंने। मेरे पास प्लास्टिक का मांजा भी है और मेरे पास देसी पांडा मांजा भी, तो मैं दोनों से पेचे लड़ा के दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से तुम पतंग काट सकते हो, ढील से काटनी, कैसे काटनी, कैसे काटनी, तो पूरी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें आज, ठीक है। तो ये मैं अपनी चरखड़ी से भर के लेके आया था क्योंकि ये थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा भर के लेके आया हूं, तो इससे उड़ाएंगे। ये है देसी पांडा और ये है अपना प्लास्टिक का रोल। तो पहले प्लास्टिक से शुरू करते हैं, ठीक है। पतंग उड़ाना शुरू करता हूं। देखो अब वो पतंग को सीधा रखना है ऐसे और फिर ऐसे ऊपर की तरफ फेंक देना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पतंग उड़ाना कोई ज्यादा खास होता नहीं है। देखो अब मैंने मंजा रख दिया यहाँ पे, मैं आराम से ढील देता जाऊंगा इसको उठाना भाई। ये देखो ये रख दिया मैंने, वो देखो अब पतंग पे देखो ऊपर, ये देखो जैसे पतंगा मुंह पर गया मैंने ऊपर की तरफ खींचना है बस उसको सीधा, और ऐसे करके अपनी पतंग सीधा हवा में पहुंच जाएगी। देखो कितनी ऊपर ले गया, अब मैं इसको और ऊपर ले जाऊं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस तुम्हें पतंग का ध्यान रखना है। जैसी पतंग का मुंह ऊपर, तुम्हें ऊपर की तरफ खींच देना, पतंग अपने आप ऊपर जाती जाएगी हवा के साथ। अगर हवा नहीं चल रही होगी तो भाई फिर तो उड़ना मुश्किल है ऑब्वियसली बात। देखो गाइस पूरी पतंग ऊपर कर दी मैंने, तो ऐसे करके आप उड़ाओ जैसी पतंग का मुंह ऊपर, तो एक ऐसे ऐसे करके खींचते रहो, पतंग एकदम ऊपर चलेगी। देखो एकदम सुन है, पतंग के तन्ने इतने परफेक्ट बंधे कि वो पतंग एकदम सुन है, ऊपर हिल डुल भी नहीं रही ज्यादा। कुछ ट्रिक्स है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि कैसे पतंग लेनी है ताकि हमारी पतंग अच्छी रहे, ज्यादा हिले डुले ना। जैसे वो देखो पन्नी की, वो देखो ऐसे ऐसे बावड़ों की तरह, तो वो बावड़ों की तरह नहीं हिलेगी। ये देखो ये री डोर और पतंग देखो अपनी, वो जो ऊपर देख रहे हो एकदम सुन पतंग है, देख रहे हो। काम करते हैं अब हम पेचे लड़ाते, ठीक है। पहले ये प्लास्टिक का मांजा है, तो मैं तुम्हें दोनों टेक्निक बताता हूँ कि तुम्हें किस तरीके से पतंग को काटना होता है। तो देखो गाइस वो रही अपनी पतंग ऊपर, और यहाँ मैंने ईंट पे मंजा उड़ा दिया हाथ से ताकि मेरी पतंग जाए ना इधर उधर। गाइस मेरे पेचे लग चुके अभी फिलहाल। आईपो वो देखो गई, वो देखो सामने, जूम करके दिखाऊंगा मैं। देखो वो गई, वो लहर के जा रही, देखो बगल में। तो एक फिलहाल एक पेचे हो चुका है। अब मैंने पता क्या करा, बस मैंने उसकी पतंग की डोर ये है और मैंने अपनी पतंग की डोर उसके ऊपर रखी और मैं बस ढील देता गया, तो जो ढील से वो रगड़ बनी और उसका मंजा कट गया। तो ये एक तरीका है ढील वाला, अगर पतंग की हवा सही है और पतंग तुम्हारी ओके रिपोर्ट है, तो तुम्हें बस उसके मांजे के ऊपर अपना मांजा रखना है और बस ढील छोड़ देनी है बंदे की पतंग कट के वो लहर रही ऊपर। तो ये ट्रिक नंबर वन है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक और बताता हूँ, इसमें मैं खींच में लेके जाऊंगा। देखो नीचे पन्नी की पतंग उड़ रही है ना, एकदम खींचता हुआ ले जाऊंगा उसको बाहर, तो अपने आप ही उसकी पतंग कट जाएगी भाई। देखो खैच में भी ले गया, तो तुम्हें बस क्या करना है, खैच मारनी है। जैसे देखो मैंने क्या करा, उसकी ये मंजा था तो मैं नीचे से लेके गया और मैं बस खैच मारता गया, उसकी पतंग कट गई। बात का ध्यान रखना है, जब भी तुम खैच से करो ना, तो ये बंदे का मंजा है, इसकी डोर के नीचे अपना डोर लड़ाओ और बस खींचते जाओ खींचते जाओ, तो जो रगड़ पड़ेगी उससे तुम्हारी पतंग तुम्हारी नहीं कटेगी, दूसरे की कट जाएगी। जब देखो एक बारी और वो आ रहा काला वाला, तो मैं थोड़ी सी नीचे कर लूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ उनके हिसाब से। देखो वो लहर रही, वो देख रहे हो काली वाली। तो देखो इस तरीके से पतंग उड़ती है, मैंने इसी पतंग से तीन पतंगें काटी है और प्रॉपर तुम्हें दिखाया है एक शॉट। और ये वाली भी मैंने खैच वाली अप्रोच से ही काटी, बस मैं उसके नीचे लेके गया और बस खींचता गया अंदाधुन और उसकी पतंग कट गई। तो वो देखो अभी अपनी वहां पे उड़ रही है इतनी ऊपर, और अब मैं सोच रहा हूं वो एक सामने शायद है एक छोटी सी, एक बार उसको फिर लेके जाऊं उसकी काटता हूं। कट के खड़ा हूं फिलहाल चरखड़ी और भाई से उड़वाता हूं। देखो ओ कैच 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 आई पो, क्या बात है भाई, लड़के में भी जान है भाई। काटो भाई अब देखो वो उड़ रही है हमारी, एक काली वाली और हो जाए भाई एक बारी, ठीक है भाई चैंपियन लग रहे हैं। तीन मैंने काट दी, एक तुमने काट दी, तीन और काट दो तुम। कितने आसान तरीके से मैंने बताया कि भाई ने भी पतंग काट दी, जिनको बंदों को थोड़ी सी कम उड़ान आती थी उन्होंने पतंगे तक काट दी। तो तुम भी इस तरीके से उड़ाओ, तुम्हारी पतंग कभी कटेगी नहीं, कटेगी तो जरूर लेकिन चार पांच काट के कटेगी। कई पतंगे जा रही है भाई, भाई एक्सपर्ट है, भाई ने मेरे से ज्यादा पतंगे काट दी। मेरी कितनी चार हो गई भाई, तुम्हारी भी चार हो ही गई, चार चार हो गई। और गाइस सामने देखो पूरा मैदान सा ना ऑलमोस्ट खाली सा हो गया। तो ये देखो भाई अब दो या चार पतंग उड़ रही है, पतंग वैसी मजे के लिए उड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं दूर ले जाके काटूंगा। लेकिन हाँ मैंने 8 या 9 पतंगे तुम्हें काट के दिखा दी, तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से पतंगे कटती है, और तुम लोग भी अब एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है मेरी वीडियो के देखने के बाद। तो देखो गाइस वहाँ पे दोबारे लगे हैं, दोबारे पेचे ले आओ, हो गई नहीं हुई क्या,
डालो भाई, नीचे से डाल दो उस पर भी। तो अभी फिलहाल मैंने 3-4 तो उड़ा ली, अब भाई को दे दी मैंने, मैंने तुम काटो पतंगे। और वहाँ पे देखो पेचे चल रहे हैं। ओ लड़ गई, लड़े छूट गए, फिर से छूट गए। गाली देगा वो तुम्हें, बंदा गाली देगा पक्का भाई। जिसकी पतंग है ना उसकी लगातार छठी पतंग काटी है भाई, बंदे की घर से बाहर ही नहीं निकलने दी हमने। छह की ब्लैक है भाई। और भाई छह की छह ब्लैक थी, छह की छह ब्लैक कर दी उसकी पूरी की पूरी। क्या हाल है सभी के, आई होप सब बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बढ़िया हूँ और मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और मुझे याद आया कि मैंने ये वीडियो अभी तक एंड नहीं करी तुम लोगों को, अभी तक मैंने इस वीडियो का एंड ही नहीं दिखाया और मैं कितना बावड़ा हो गया व्लॉग बनाते बनाते। बस क्या ये वीडियो पता है मैंने कैसे बनाई है, मैं तुम्हें एक पर्सनल बात बताता हूँ। जिन लोगों ने मेरी लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो उनको पता होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग के एंड में तुम्हें बताया था कि मैं दवाइयाँ खा खा के व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मरने वाली हालत नहीं थी, बस गया मैं। ठीक है, तो मैंने दवाई खा खा के ये व्लॉग बनाया। ठीक है, इस व्लॉग पे मुझे 4000 लाइक्स चाहिए, मुझे नहीं पता 4000 लाइक्स चाहिए चाहिए, इससे कम में नाक कट जाएगी। ठीक है, वरना मेरी तो मेहनत लगती है हर काम में। ठीक है, फटाफट 4000 लाइक्स कर देना इस वाली वीडियो पे। और हाँ, बाकी की बात अंदर चल के करते हैं वरना मेरे घर वाले सोचेंगे ये घर छोड़ के जाने वाला है शायद, तभी जीनों में बैठा रहता है सारे दिन आजकल। तो गाइस ठीक है, ये वाली वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपन 40,000 के अब बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। ठीक है, फिर जल्दी से 50 करेंगे। और हाँ, बाकी जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना क्योंकि सारी की सारी गिव अवे की डिटेल्स मैं वहीं पे निकालता हूँ। और एक गिव अवे हमारे चैनल पे चल रहा था, मैं 4 बारी लाइव आ चुका हूँ और चारों में से अभी तक मैंने गिव अवे का रिजल्ट नहीं निकाला क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो नए नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनको भी चांस दिया जाए। तो फटाफट जाओ, ठीक है, गिव अवे वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर वो वीडियो देखो और गिव अवे में पार्टिसिपेट करो ताकि तुम भी जीत सको एक एप्पल के एयरपोड्स प्रो। बाकी मिलता हूं तुमको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन दबा के साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि तुम लोग वीडियो आते के साथ ही वीडियो देख लो। मैं जाता हूं इसको एडिट करके डालने के लिए। मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ और मे बी आपकी जो वीडियो होगी ना वो ऐसी होगी जो तुमने सोची नहीं होगी। थारा भाई ऐसी वीडियो डाल देगा किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, मिलता है एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।